चाहती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, खासकर लड़कियों को आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाएं, उनमें उनका जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में आप उनको प्रोत्साहन करें। उनको पहली चीज है कि आप उनको फर्स्ट एजुकेशन दें। अगर आप उनको पढ़ाएंगे तो ही आगे कुछ होगा और हमारे समाज बदलेगा। और आज मैं आया हूँ दिल्ली में, और सभी आप जानते हो कि जो दिल्ली की हमारी गोमती सासी, अपने मातृशासी समाज की बेटी, जिसने भारतवर्ष में ये पहली लड़की है जो वह 3 सालों से इंडिया की टीम में रग्बी गेम खेल रही है और अपने देश का और समाज का नाम रोशन कर रही है, तो ये दिल को सुकून देने वाली और गौरव देने वाली बात है। तो मुझे बेहद गर्व है, ऐसे ही ये आगे बढ़ती है और आज भी कल ये शाम को जा रही है जो एशिया कप मैचेस हो रहे हैं और वहाँ ये अपना परफॉर्म दिखाएगी और ये ऐसे ही आगे बढ़े, समाज का नाम रोशन करे। इसलिए मैं राष्ट्रीय भंकू शासी समाज इनका संगठन की ओर से हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विकास जी माला दिल्ली और मैं जयराज भाट जो मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और हम इसके हौसला अफजाई के लिए इसका अभिनंदन और इसको एक प्यार, इसको खुशी हो, इसके हौसला अफजाई के लिए आप पहुंचे हैं, तो मैं इसको ढेर सारी बधाई देता हूं। ऐसे ही इसकी जो छोटी बहन है, बड़ी बहन, उसको भी आप सभी का आशीर्वाद मिले। ये गायकी की ओर बढ़ रही है और इतना सुंदर गाती है कि उसके लिए भी हम आप सभी दुआ करें, ये भी जीवन में आगे बढ़े और इनके घर परिवार में खुशहाली आए। इसके पीछे इनके पिताजी को भी मैं लाख लाख अभिनंदन इनका करता हूँ, इनके माता को भी, कि इन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और खेल की ओर इनकी परिस्थितियां ना होते हुए भी अपने बच्चों को इन्होंने इस खेल की ओर ले जाने के लिए बहुत सारी जंगोजहद संघर्ष किया। ऐसे ही सभी समाज के लोगों को मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, तो उस बच्चे की कौन सी चीज में रुचि है उसको अगर हम परख कर उस पर काम करें तो जरूर ऐसे कोहिनूर हीरे आपके भी घर, आपका भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो सभी को इसीलिए मेरा गोमती और बेटी इनको दोनों बहनों को हम राष्ट्रीय भंकू शासी समाज विकास संगठन की ओर से इनका अभिनंदन करना चाहते हैं। दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार, सबका साथी, जय राजभाग। सभी सास समाज के लोगों को नमस्कार। तो ये हमारे जयराज भाट अंकल जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये हमारे विकास माडा जी अंकल हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ये हमेशा मुझसे मिलने आते हैं, जब भी दिल्ली में आते हैं मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं और इनके आशीर्वाद से मैं बहुत आगे तक जाती हूँ और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं ये इधर बहुत ज्यादा ही। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, खासकर लड़कियों को आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाएं, उनमें उनका जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में आप उनको प्रोत्साहन करें। उनको पहली चीज है कि आप उनको फर्स्ट एजुकेशन दें। अगर आप उनको पढ़ाएंगे तो ही आगे कुछ होगा और हमारे समाज बदलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं उनका तो धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आते हैं मुझे आशीर्वाद देते हैं, उनका आशीर्वाद से मैं बहुत आगे बढ़ती हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद। ये थी हमारे भारत की मातृशासी समाज की आमान शान गोमती, जो भारतवर्ष में पहली लड़की है जो इंडिया की टीम में खेल रही है, और ऐसे ही हम सभी बहनों को, बच्चियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई ठान ले तो कोई चीज आसान नहीं होती। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। मैं इनके माता पिताओं को भी धन्यवाद देते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, सबका साथी जयराज भाट, और मैं उनकी जो बेटी है जो अभी नई नई सिंगिंग कर रही है उसके लिए भी हम भगवान से जरूर प्रार्थना करेंगे कि वो भी जीवन में आगे बढ़े। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो 2 शब्द रखे अपने। सभी को मेरा नमस्कार, और मैं हनी, और जो कि मैं म्यूजिक सीख रही हूँ और मैं म्यूजिक करती भी हूँ और मैं गाती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और उनको कुछ ना कुछ सिखाएं,
ताकि वो हमारे देश का नाम रोशन करें और कुछ ना कुछ वो हासिल करें और ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी उनको कुछ ना कुछ कराएं। और मेरे गुरुजी श्री तिलक मलिक जी हैं जो कि हमारे कास्ट से हैं और उनके आशीर्वाद की वजह से और आप सभी के प्यार की वजह से मैं कुछ अपने संगीत में आगे कर पा रही हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद होगा तो मैं आगे भी जरूर, आप मेरे को टीवी पे जरूर देखेंगे। और मैं अपना छोटा सा गाना भी सुनाना चाहूंगी। दिल टूटे खुदा को ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। दिल टूटे खुदा को ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। मौत से डर नहीं लगता मुझको, सिर्फ तुमसे जुदाई को डर है। तो बहुत बहुत इनको प्यार आशीर्वाद सबका। साथी जयराज भाट, नमस्ते।